तो हेलो दोस्तों, आखिरकार हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ हमें पहुँचना था। और हमने पिछले वीडियो में सिर्फ टाइटल में बताया था कि कैसे हम सिर्फ 1 घंटे पहले, हमें पता भी नहीं था कि हम कभी सूरत जाएंगे। तो ऐसा क्या हुआ और अचानक किसका कॉल आया जो हमें सूरत आना पड़ा, और आज का हमारा दिन बहुत अच्छा निकला है तो देखिएगा। तो अभी हमें अंदर जा रहे हैं, हमें अजमेरा कहाँ मिलेगा पता नहीं। ये पूरा कपड़े का 15 नंबर लिफ्ट बोला, ये 1 नंबर है। तो दोस्तों अक्सर होता क्या है कि पहली बार ब्रांड से या फिर कंपनी से बात होती है ना, तो सामने वाला इतने अच्छे से मीठी मीठी और रेस्पेक्ट से बात करता है, और वो इतने ऑफर बताता है कि आप यहाँ आओगे तो आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये सुविधाएं मिलेगी, यहाँ आने के बाद आप अपने घर जाने की भी शायद ही आपको याद आए। तो यहाँ पर जब आज हम आ गए हैं तो क्या हकीकत है, हमें क्या क्या प्रॉब्लम या फिर कौन सी अच्छी बातें फेस करने को मिली है, इसके अलावा हमने एक शॉपिंग भी की है शानदार रियल शॉपिंग, वो भी आपको बताएंगे। कपड़े से इतनी नफरत है, मम्मा को नहीं पता। कपड़े से नफरत है इस बच्चे को, तो कपड़े खोल के आ जाता। नहीं मम्मा ये है, मम्मा ये है, ये 15 नंबर नंबर 16 पर लिफ्ट का अभी बंद है। बंद नहीं होगी, अरे ये देखो ये वेट कर रहे हैं ना, आएंगे कोई। ओह नो, मेरे को डर लग रहा है। ओ पंडित, लिफ्ट में पहली बार चढ़ी? पहले कहाँ चढ़ी? तो मैं पहली बार, पहले कहाँ चढ़ी? पहले तो वो वैसी वाले लिफ्ट, हैंडलूम वाले। हाँ। हम हमारे बाड़ मेरे में छोटी मोटी आई लिफ्ट में चढ़े हैं, यहाँ पे पता नहीं कैसा होगा। इतनी डरावनी लिफ्ट। इस लिफ्ट के दौरान आप तेजस की आवाज़ सुनिएगा, उसकी जुबान 1 सेकंड के लिए भी चुप नहीं रही है। और क्या क्या बोला इसने थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और मेरा तो ये ध्यान था कि 3rd फ्लोर पे उतरना है, लेकिन तेजस की बातों पर भी ध्यान था। कितनी खतरनाक लग रही है, मेरे को डर लग रहा है। अरे जमीन नीचे हो रही है, हम चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा। हम ऊपर जा रहे हैं, तेजू को दिख रहा है जमीन नीचे जा रही है। क्या हुआ तेजू? जमीन नीचे जा रही है, जमीन नीचे आ रही है। मेरे को वापस लिफ्ट में जाना है, मैं तो लिफ्ट में रह गया बल्ले बल्ले। अरे 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 लिफ्ट वापस नहीं हो रही है, ऊपर जा रही है। वहां से फंस क्यों रहा? मैं को ना फंस रहा हूं। अन्या ये थोड़ी खिसक जा, फंसो मत बस। मैं लिफ्ट में ही रहूंगा। ओह नो। तो दोस्तों आज के वीडियो के 2 पॉइंट तो इतने खास है कि वो आपको मिस नहीं करने चाहिए, जिसमें हम आपको हिंट दे देते हैं। पहला तो ये कि सामने वालों की तरफ से जो दावत मिली थी वो हमें काफ़ी अच्छी पसंद आई, खास करके बच्चों को। और दूसरी ये कि हमने जो यहाँ पर शॉपिंग की, एक जो कि रियल शॉपिंग हमारे लिए कपड़े खरीदे हैं, वो भी काफ़ी खास रही है। ये 3 नंबर क्या बोला बाजू? इसमें रही हूँ ऐसे क्यों कर रहा है? मेरे को कुछ आने नहीं देता, नहीं मेरा कोई। अब बंद करते हैं अपना। तो आज का अपना जो वीडियो है वो बिज़नेस रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर हमने जो मौज मस्ती की, लोगों से मिले, खाना पीना जो भी किया उसके बारे में है, मतलब आप फुल एंजॉय करने वाले हो। तो मुझे लग रहा है ये सारे यूट्यूबर हैं क्या, लगभग 50 लोग हैं यहाँ पर, ये देखिए। तो हो सकता है कि सारे यूट्यूबर हो। तो यूट्यूबर है, यूट्यूबर हो आप? यस। क्या नाम है आपके चैनल का? दिव्या। ओहो, तो हमसे बड़े यूट्यूबर है, क्या करें। आप यूट्यूबर हो? आप यूट्यूबर हो? आपका इंटरव्यू चल रहा है, आप यूट्यूबर हो? नहीं। ऐसे वेट करना पड़ता है, इतने सारे लोग आए हुए होते हैं।
हाँ जी, तो हमें यहाँ पर वेट करने को बोला है और हम वेट करते करते बिल्कुल फ्री नहीं बैठेंगे। अभी हम यहाँ पर अपनी तरफ से अपना एक काम शुरू करेंगे, वो भी आप देख लीजिएगा हम यहाँ बैठे बैठे क्या करेंगे, क्योंकि फ्री बैठना तो अपने नेचर में ही नहीं है, तो कुछ न कुछ तो अपना काम करना ही पड़ेगा। आपको धीरे बोलो, धीरे, दीवारों के भी कान होते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने अपना शॉर्ट कॉमेडी वीडियो बनाना शुरू कर दिया, और इतने सारे जो लोग आए हुए बैठे हैं ना, ये कोई यूट्यूबर नहीं है, सारे जो अपने न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो लोग हैं जो कि यहाँ पर होलसेल में माल लेने के लिए आए हैं, कपड़े लेने के लिए आए हैं, जो भी यहाँ से ये प्रोडक्ट ले जाते हैं वो लेने के लिए आए हैं। तो इनको यहाँ पर आके फिर जो है बारी बारी जो काउंटर पर लोग लगे होते हैं वो लेके जाते हैं और इनको सामान देते हैं। तो अजमेरा का वीडियो कल या फिर परसों आएगा, तो आप दोस्तों आप थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिएगा। और इन मैडम्स के साथ ही वो वीडियो शूट हुए हैं, तो ये उसी बारे में डिस्कस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमें किस तरह काम करना है और कैसे कहाँ से शुरुआत करनी है, किस तरह यहाँ का हमारा जो है प्रोग्राम रहता है, वो सब ये समझा रही हैं मुझे। मेरा वीडियो बनाने आई और बच्चे खो जाएंगे मेरे। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि क्या सिर्फ फ़ोन पर ये अच्छी अच्छी बातें करते हैं या फिर यहाँ जाने पर भी अच्छा व्यवहार करते हैं। तो बिल्कुल, हम यहाँ पर 4.5 घंटे तक रुके थे, तब तक यहाँ के स्टाफ, यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं बहुत ही अच्छे से पेश आए, और लंच टाइम हमें स्पेशल दावत दी गई, वो भी हमें बहुत पसंद आई। इसके अलावा जहाँ पर हम वेट कर रहे थे वहाँ पर टाइम टाइम पर पानी, टाइम टाइम पर चाय, सब कुछ, यहाँ तक कि वीडियो बनाने के बाद भी अच्छे से विदा भी किया। और यहाँ पर इस शोरूम का एक छोटा सा क्लिप मैंने ले लिया था, और बाकी यूट्यूबर यहाँ जाकर जो वीडियो बनाते हैं उनसे मेरा वीडियो बहुत अलग है, तो आप ज़रूर देखिएगा। और आपको ये सारे प्रोडक्ट डिटेल से बताएंगे, एक एक प्रोडक्ट दिखाएंगे, क्या प्राइस है और कितना सस्ता आप खरीद सकते। अब आपको बताते हैं कि कैसे एक घंटे में हमारी ये डील पक्की हुई और हम सूरत के लिए निकल पड़े। बाद हम यहाँ पर, अभी हमारे वीडियो बनाने में टाइम था तो हम थोड़ा पास में चले गए और हमने एक शॉपिंग की। वहाँ का एक इंटरेस्टिंग क्लिप आपको थोड़ा सा दिखा, वो आप जरूर देखना। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि उस दिन एक घंटे में कैसे हमारी सारी प्लानिंग चेंज हो गई और हम मतलब एक घंटे के अंदर अंदर बस में बैठकर सूरत के लिए रवाना हो गए थे। क्योंकि क्या हुआ था, एक बार तो हमारी पहले बात हो चुकी थी, यूं तो अजमेरा से मेरी बात 3 बार हुई थी लेकिन कभी पक्की नहीं हुई थी। इससे पहले महीना भर पहले हमारी बात हो गई थी और डील पक्की हो गई थी, लेकिन उस टाइम मेरे पास टाइम था नहीं, मैं यहाँ पर इतनी फंसी हुई थी तो मैंने मतलब आगे टालती गई। और अब जो है 19 तारीख को शाम को 7 बजे मेरे पास कॉल आया, 7 बजे कॉल आया कि आप अपने अकाउंट नंबर वगैरह भेजो, हम एडवांस भेज देते हैं और आप जो है आने वाले 4-5 दिन के अंदर अंदर वीडियो कर लीजिए। तो हुआ क्या था कि 19 तारीख को मेरे पास कॉल आया, तो मैं अगर 19 को जाती हूँ तो 20 को वहाँ अपना काम करके 20 की रात को वापस बैठ जाती हूँ और 21 को वापस आ जाती हूँ, और ये मेरे करना बहुत ज़रूरी था। तो 22 को मेरे को स्कूल जाना था, तो मतलब अचानक जैसे ही उनका कॉल आया मेरे दिमाग में एक ही आया, एक बार मैंने कॉल रख दिया और फिर सोच के 10 मिनट में मैंने वापस कॉल किया कि मैं आज ही आ रही हूँ, आप एडवांस भेज दीजिए। मैंने तभी के तभी वो फ़ोन किया बस पर, तो उन्होंने बताया बस वालों ने कि 8 बजे सीधी सूरत की बस है, उसके बाद बस नहीं है। तो हम 7:15 तो बात हो रही थी, थोड़ी देर में नहा धो के फटाफट हम रवाना हो लिए, बस 1-2 थैली में ड्रेस डाल दी और 1 बोतल पानी की ले ली और फिर जो है डिनर नाश्ता वगैरह रास्ते में किया और सुबह हम पहुँच गए वहाँ पर। और उस दिन जो है यहाँ पर रुके हैं, और ये जो आज का वीडियो आपका चल रहा है, इसके बाद हमने अजमेरा के 3 वीडियो रिकॉर्ड किए और फिर एक हम बहुत ही बड़ी अच्छी शॉप पर, एक अच्छे क्या कहते हैं क्लोथ स्टोर पर गए, जहाँ पर हमने अपने लिए भी शॉपिंग की है। तो इसका थोड़ा सा क्लिप आप ज़रूर देखिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जब तक मेरे ड्रेस खरीदने की अनुमति नहीं दोगे मैं यहाँ से नहीं उठूँगी। तो इस घटना के बारे में आपको बताऊं, इससे पहले बता दूं जो मैंने ये कुर्ती पहन रखी है ना, बहुत ही सस्ती अच्छे कपड़े की और इतनी अच्छी रेट पर आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो इन कुर्तियों को होलसेल में आप खरीद सकते हैं, इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दूंगी, तो उस लिंक पर आप क्लिक करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं और उनसे सीधी आप कॉमेंट के जरिए भी बात कर सकते हैं, वो आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देंगे और आप इन कुर्तियों को होलसेल या सिंगल जैसे चाहें वैसे खरीद सकती हैं।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ था कि मैंने कहा मुझे कपड़े खरीदने हैं, बच्चों ने कहा कपड़े नहीं खरीदोगे क्योंकि अगर आप कपड़े खरीदने लग गई तो फिर हमारे कपड़े नहीं खरीदे जाएंगे क्योंकि आपके ख़रीदारी जब शुरू होती है तो ख़त्म होती नहीं है। तो इसी बात पर यहाँ पर बहस हो रही थी और बहस होते होते फिर ये कहाँ तक पहुँची, क्या बात हुई, इसका वीडियो तो पूरा का पूरा अलग से आएगा, कुछ दिन बाद आएगा, अभी तो नहीं आएगा। तो जब आए तब आप सपोर्ट करना, देखते रहिएगा। और आज मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला नहीं, अभी बोल देते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सूरत का हमारा टूर हमें बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा रहा और जिस टाइम पर जैसे हमें वापस आना था, बस ये हम यहाँ पर ये जिद नहीं करते और हमारी बच्चों की ये वाली लड़ाई नहीं होती ना तो हम टाइम पर बस पकड़ के सुबह जो है 6 बजे आ जाते हैं, लेकिन इस लड़ाई के चलते हमारी एक बस सिर्फ 3 मिनट के गैप से चूक गई थी और फिर हमें उसके बाद जो है वो 5 बजे हमें बस मिलती वो नहीं मिली और फिर 7:30 बजे बस मिली थी जिसकी वजह से हम घर लेट पहुंच पाए थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।